यूपी राजस्थान सीमा पर स्थित गोवर्धन में लगने वाले 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा मेले पर कोरोना का ग्रहण लगा है, जहां सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना मेले को स्थगित किया गया है। वहीं सरकारी आदेशों व कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को दोनों राज्यों का पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। इस दौरान यूपी राजस्थान सीमाओं को बैरिकेड्स लगाकर गोवर्धन में आने वाले भक्त व श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान डीप थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए 20 से 24 जुलाई तक परिक्रमार्थियों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। इधर कोविड के चलते इस प्रतिबंध से भक्त व श्रद्धालुओं में भी काफी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा से भी जाना जाता है, जहां हर वर्ष स्थानीय लोगों के अलावा देश विदेश से करोड़ों भक्त व श्रद्धालु श्री गिरिराज जी परिक्रमा लगाने आते हैं और इस दिन अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्ष से कोरोना के चलते भक्त भगवान के दर्शनों से वंचित हो रहे हैं। इधर राजस्थान सीमा के पड़ने वाले परिक्रमा मार्ग में पुंछरी के लौठा सहित सभी मंदिरों के पट बंद किए गए हैं। ये तय किया गया 20 से लेकर 24 तारीख के बीच में पूर्णतया बंद रहेगा, इस मेले का आयोजन नहीं होगा, बाहर से कोई भी आदमी नहीं आएगा। हर चेक पोस्ट और नाके लगा दिए गए हैं ताकि वो बाहर से गोवर्धन जी में न जा पाए। ये ध्यान विशेष करके रखने के आदेश हैं कि 20 से 24 तक कोई व्यक्ति बाहर से यात्रा के लिए नहीं आए। इसकी पालना कड़ाई से करवाई जाएगी और मथुरा प्रशासन पूर्णतः चाक चौबंद है, बिल्कुल दुकानें बंद रहेंगी, कोई पुजारी नहीं मिलेगा, कोई फूल बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं मिलेगा।